सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी की फटाफट खबरों में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज शनिवार भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही कोतवाली इलाके के सिखड़ी डोमनपुर गांव में खेत की रखवाली कर रहे दीपक कनौजिया नामक युवक को कुछ लोगों ने लाठी डंडा व रॉड से पिटाई कर दी। लालचंद कनौजिया की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने सिखड़ी डोमनपुर निवासी शिवम सिंह, गणेश सिंह व मोहित मिश्रा के खिलाफ 323, 504, 506 व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लालचंद कन्नौजिया के मुताबिक उनका बेटा दीपक कन्नौजिया खेत की रखवाली कर रहा था, तभी कुछ लोग खेत में रखे सरपत को ले जाने लगे। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दीपक कन्नौजिया का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर जमा हुए और प्रदर्शन करते हुए बढ़ाए गए रसोई गैस सिलेंडर के दामों को वापस लिए जाने की मांग की है। पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर पहुंचे आप नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र व प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। कहा कि इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। इस मौके पर बालकृष्ण, राजीव कुमार, मोहम्मद आसिफ खान, प्रदीप मौर्य, जितेंद्र कुमार उपाध्याय आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के मौसम विभाग ने किसान भाइयों को सावधान करते हुए आगाह किया है कि मौसम में होने वाले बदलाव के प्रति सचेत रहें। कहा कि इन दिनों गरज चमक के साथ आंधी पानी की संभावना बढ़ जाती है। आगामी सप्ताह में दिन का तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने का अनुमान है। इस बीच 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। उधर पशुपालक भाइयों को भी सलाह दी गई है कि खुरपका और मुंहपका की बीमारी के रोकथाम के लिए पशुओं को टीका अवश्य लगवाएं। फर्जी पट्टे के नाम पर भूमधरी जमीन हड़पने का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सूर्यामा के गजधरा निवासी देवी शंकर ने माननीय न्यायालय में 156(3) के तहत गांव के ही तेजधर उपाध्याय उर्फ तनेनु सहित कुल तीन लोगों के खिलाफ सूर्यामा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में तेजधर उपाध्याय उर्फ तनेनु को सूर्यामा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जमीन हड़पने के लिए षड्यंत्र के तहत ग्राम प्रधान के नाम का फर्जी हस्ताक्षर भी बनाया गया था और भूमधरी जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचा गया था, जहां सूर्यामा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने देवी शंकर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। होली व सबे बरात पर्व को लेकर डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर जनपद पुलिस फ्लैग मार्च व पीस कमेटी की बैठक कर शरारती व अराजक तत्वों को आगाह करते हुए चेतावनी दे रही है। साथ ही फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से संवाद कायम कर जनपद पुलिस सुरक्षा का भी एहसास करा रही है। ज्ञानपुर में अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती व एसडीएम अश्वनी कुमार पांडे के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इसी तरह गोपीगंज में इंस्पेक्टर सदानंद सिंह के नेतृत्व में भी भारी पुलिस बल ने राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया है। वहीं भदोही कोतवाली के रशपुरा पुलिस चौकी पर इंस्पेक्टर अजय कुमार सेठ के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई है, जहां पर्वों को आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील की है। सूर्यामा ब्लॉक के ग्राम प्रधान मौजूदा राजमणि पांडे की शिकायत पर भदोही तहसील से नायब तहसीलदार सूर्यामा बलवंत उपाध्याय मौजूदा गांव पहुंचे थे और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी है। टीम के पहुंचने से इलाके में हड़कंप मचा रहा। ग्राम प्रधान राजमणि पांडे ने शिकायत की थी कि कईयों ने सरकारी भूमि पर फसल की बुआई कर अतिक्रमण किया गया है। जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उस भूमि पर आवास आवंटन स्वीकृत हुआ है। राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए अतिक्रमण हटाने की बात कही है। कहा कि अतिक्रमण न हटाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
भदोही जिले में रंग भरी एकादशी धूमधाम से मनाई गई। भक्ति भाव में डूबे लोगों ने जहां जमकर अबीर गुलाल उड़ाए, वहीं मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया था। ज्ञानपुर के सिद्धपीठ बाबा हरियरनाथ मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया था, जहां दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंची थी। इसी तरह गोपीगंज में भी रंग भरी एकादशी धूमधाम से मनाई गई। बाबा बड़े शिवधाम मंदिर, मिर्जापुर रोड स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर, गणेश मंदिर, काली मंदिर, हनुमानगढ़ी स्थित शीतला माता और शिव मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया था। मंदिरों के बाहर फल फूल की दुकानें सजी रहीं। इसी तरह सूर्यामा, भदोही, चौरी, जंगीगंज, दुर्गागंज, खमरिया, घुसियां, औराई, कोईरौना, सीतामढ़ी, ऊज आदि स्थानों पर स्थित मंदिरों में भी रंग भरी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। बारातियों से भरी एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई। कार में सवार बारातियों सहित आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मामला भदोही शहर के रसपुरा तहसील गेट के सामने का है, जहां क्षतिग्रस्त डिवाइडर पर बारातियों से भरी एक कार जा चढ़ी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने बताया कि अक्सर डिवाइडर पर वाहन चढ़ते रहते हैं, क्षतिग्रस्त डिवाइडर से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इलाके वासियों ने बताया कि सड़क की पटरियों पर शाम होते ही बेतरतीब ढंग से बाइक व अन्य वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। लोगों ने क्षतिग्रस्त डिवाइडर को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड गणेश मंदिर के सामने एक तेज रफ्तार बाइक ने दो साइकिल में टक्कर मार दी है। साइकिल सवार ज्ञानपुर के डुहिया निवासी शिव यादव व गोपीगंज के ककराही निवासी संदीप नामक युवक घायल हो गए हैं। दोनों साइकिल सवार भोज कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी मिर्जापुर रोड पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया है। बाइक सवार ककराही का निवासी बताया गया है। घायल युवकों का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया। विद्युत कनेक्शन के लिए एक किसान विद्युत विभाग का चक्कर लगा रहा है। कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग के कर्मी किसान से रिश्वत मांग रहे हैं, ऐसा कुछ आरोप लेकर भदोही के मोड़ चक गोसाई निवासी महेंद्र यादव DM कार्यालय पहुंचे थे। दिए गए शिकायती पत्र में महेंद्र यादव ने कहा कि कृषि कार्य के लिए 3 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन आवेदन किया था, लेकिन कनेक्शन देने के नाम पर विद्युत कर्मी रिश्वत मांग रहे हैं। रिश्वत न देने पर उसे दौड़ाया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए महेंद्र यादव ने कार्रवाई की मांग की है। नई बाजार के मां काली देवी मंदिर परिसर में चल रहे 7 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग का शुक्रवार को समापन हो गया। सत्संग के आखिरी दिन अपार भीड़ उमड़ी थी। सत्संग समापन के बाद माता कृष्णा ने सभी को होली की बधाई दी और भक्तों के ऊपर अबीर गुलाल बरसाए गए। सत्संग पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया था। भक्तों से पंडाल खचाखच भरा रहा, जहां माता कृष्णा ने सत्संग के आखिरी दिन राम नाम की महिमा बताई। सत्संग में माता कृष्णा ने कहा कि जो मनुष्य सांसारिक कार्यों में उलझा रहता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। माता कृष्णा के हर वाणी पर लोग झूमते व तालियां बजाते नजर आए। सत्संग के समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर अंजलि मौर्य, विनय उमर, रमेश जायसवाल, पिंटू, सुरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के सिरवा गांव निवासी सोमेश्वर का 14 वर्षीय पुत्र गोविंद दुबे उर्फ उत्तम घर से बगैर बताए गाजीपुर चला गया था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भदोही कोतवाली में दर्ज कराई थी। भदोही कोतवाली पुलिस बालक को बरामद करते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंची थी। जानकारी मिलने पर परिजन भी समस्त कागजातों के साथ न्यायालय पहुंच गए, जहां काउंसलिंग के बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष PC उपाध्याय ने बालक को उसके परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया। भटका बालक पाकर परिजनों में खुशी की लहर देखी गई। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, प्रेम शंकर त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह व निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व MLC डॉक्टर राजपाल कश्यप ने फूलन देवी को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया है। कहा कि भदोही फूलन देवी की कर्म स्थली रही। सपा सरकार बनी तो भदोही में भव्य स्मारक के साथ फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
डॉक्टर राजपाल कश्यप ने यह सभी बातें भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित एक प्रतिष्ठान में प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उधर जब एक पत्रकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पाठ पर की गई टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा तो प्रदेश अध्यक्ष बगली झांकते नजर आई। सवाल पर पूरी तरह चुप्पी साध गए। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भदोही शहर के पकरी तिरहा पहुंचे और फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रेस वार्ता में आरिफ सिद्दीकी, ओम प्रकाश यादव, राजकुमार यादव आदि मौजूद रहे। सूर्यामा थाने पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां थाने पर तैनात रहे प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह को फूलमाला पहनाकर विदा किया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों भदोही जिले के कई थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बदलाव किया था, जहां सूर्यामा थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह को विवेचना सेल अपराध शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जहां शुक्रवार को सूर्यामा थाने पर एक विदाई समारोह का आयोजन कर लोगों ने उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें विदा किया। इस मौके पर हेड कांस्टेबल घनश्याम पांडे, संतोष कुमार मिश्रा, अमित कुमार यादव, रवि प्रकाश यादव मौजूद रहे। परिवार नियोजन को लेकर शासन के निर्देश पर भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सास बहु बेटा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिले भर के स्वास्थ्य केंद्रों पर CHO की देखरेख में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जहां परिवार नियोजन के बारे में जागरूक किया गया। औराई CSC के अंतर्गत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र गोरीडी व दुर्गागंज के भानीपुर CSC के स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर कुंडवा पर सास बेटा बहु सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ सीमित परिवार के लाभ बताए गए। 9 दंपतियों को उपहार भी दिया गया। इस मौके पर CHO पूजा गुप्ता सहित पर्यवेक्षक अवधेश मिश्रा, आशा अंकिता देवी, नीलम भारती, आंगनबाड़ी सविता देवी आदि स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। बेबाक खबरों को देखने व पढ़ने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी व पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज वेब टीवी में खबरों को प्रकाशित व चलाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, या आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।